तमाम कोशिशों के बावजूद भी वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। मुजफ्फरपुर की हवा भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 311 रहा, वहीं PM की मात्रा 2.5 पर रही। शहर की हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है, जो लगातार जारी है। आप लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है? परेशानी हो रही है कि थोड़ा सांस लेने में दम फूलता है और थोड़ा अजीब महसूस होता है, जिससे लगता है कि इसे मैंने कुछ शरीर में नुकसान ही कर रहा हो, इसलिए सांस का तो बीमारी हो ही रहा है और अंदर का क्या है, हृदय है चाहे और सब शरीर का पार्ट है, इसको क्या नुकसान करता है तो जांच के ही बात पता चलेगा। इसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से तो कोई विशेष व्यवस्था कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपना सुरक्षा में जहाँ तक कोशिश करते हैं, सो जैसे कि सुबह में पूरे दरवाजा को साफ सुथरा रखना, पानी पटाना। प्रदूषण को लेकर आप लोगों के पास क्या कहते हैं? प्रदूषण को लेकर आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष से कम यहाँ पर प्रदूषण अत्यधिक बढ़ता चला गया है, लगातार पिछले साल से भी है। सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार आपको मोटा मोटी जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लगातार धांधली चलती जा रही है, उसकी गर्दा उड़ता जा रहा है, प्रदूषण अत्यधिक बढ़ते चला जा रहा है, जिस पर हम लोगों ने भी सरकार प्रशासन से भी कहा था इस पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए, लेकिन अभी मोटा मोटी मानकर चल जाए तो प्रदूषण पर जो भी है वह सरकार का न ख्याल है न यहाँ प्रशासन का है। ऐसे परिस्थिति में जनजीवन पर बहुत ही व्यापक असर पड़ रहा है और आप देखते ही हैं कि सवेरे भी अगर हम लोग टहलने आते हैं तो उस दौरान ऐसा लगता है कि कुहासा निकला हुआ है, लेकिन उसके निकट जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुहासा नहीं है, ये तो पूर्णतः प्रदूषण है, धूल कण उड़ा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में मुजफ्फरपुर के जनजीवन पर व्याप्त असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में हवा की शुद्धता के संबंध में औसत आंकड़े जारी किए हैं, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। परेशानी हो रही है मुजफ्फरपुर में? प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है। पहले तो यहाँ उतनी पर्यावरण की बहुत पेड़ पौधे रहते थे तो उतनी प्रदूषण नहीं होती थी, लेकिन अब जो पेड़ पौधे सब कट गए, सभी जगह पॉपुलेशन काफी बढ़ गए, इस कारण से काफी प्रदूषण बढ़ गई हुई है और से हम लोग को चलने में बहुत कठिनाई होती है, जिसका प्रशासन के द्वारा कोई उपाय अभी तक लग नहीं रहा है कि इससे निवारण का कोई उपाय किया जाए। आप लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है? काफी असर पड़ रहा है, सर्दी खांसी सब हमेशा हो रही है, जिससे हम लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, गर्म होती है। पहले ये सब कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन अभी काफी कठिनाइयां प्रदूषण बढ़ने के कारण ये सब कठिनाइयां हो रही हैं। प्रदूषण से कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, घर में वैसे दम घुट रहा है, बाहर निकलते हैं तो वैसे दम घुटता है, रोड पे चलते हैं तो नाक से गंध आने लगती है, वो नाक को बंद करके चलना पड़ता है हम लोग को, गाड़ी मोटर चलते हैं उसके लिए भी कुछ भी सुविधा नहीं है सरकार का, काफी दिक्कतें तो हो रही है, एज को देखते हुए भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। मानकों के अनुसार हवा में AQI 50 से ऊपर होना ही असहज बना देता है और 100 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स घातक माना जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।